टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। 17 साल के मृणाल दत्तात्रेय आवटे को मुंब्रा पुलिस ने हैदराबाद से बरामद कर लिया है। मृणाल दत्तात्रेय दीवा के मुंब्रा कॉलोनी के शिव लीला अपार्टमेंट के ए विंग में रहने वाले हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में इन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इसलिए इनका मार्क्स कम आएगा। इसी वजह से ये डिप्रेशन में आ गए और मृणाल 21/11/2021 की दोपहर में अपना मोबाइल फ़ोन घर पे छोड़कर घर से चले गए। हालांकि घर पर मोबाइल फ़ोन होने की वजह से मृणाल की माता नैना आवटे और पिता दत्तात्रेय मारुति आवटे को लगा कि वो यहीं कहीं पर होगा, मगर काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब मृणाल घर नहीं लौटा और मृणाल का फ़ोन भी घर पर ही था, जिसकी वजह से उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिरकार मृणाल के माता पिता ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई, मगर वही मुंब्रा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मृणाल को कैसे ढूंढा जाए, उसे वापस कैसे लाया जाए। और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी एपीआई शाहजी शेलके को दी। इनकी टीम में सुभाष मोरे, अनिल मोरे, लीलाधर शोलके, जयेश तामोरे, योगेश पाटिल शामिल, जिसके बाद इन लोगों ने मृणाल को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की और दीवा रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया गया। मुंब्रा पुलिस दीवा से हैदराबाद तक सीसीटीवी फुटेज खंगालते पहुंच गई और वहां पर एक पेट्रोल पंप पर मृणाल काम करते हुए पाया गया। और मुंब्रा पुलिस 30/11/2021 को मृणाल को हैदराबाद से मुंब्रा लेकर आई और उससे माता पिता को सौंप दिया गया। हालांकि इस मामले में हमने मृणाल के माता पिता से भी बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी वेंकट आंधले ने क्या जानकारी दी है इस पर वो सुनिए। मृणाल दत्तात्रेय आउटे ये बच्चा घर से निकल गया था, उसके पिताजी ने आके पुलिस स्टेशन में तकरार दिया। तकरार के ऊपर से 11/43/2021 IPC 363 ये गुना दर्ज हो गया। ये बच्चा घर पे मोबाइल रख के घर से निकल गया था और इसके बारे में कुछ ही मालूमात अपने पास नहीं थी। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखते देखते वह हैदराबाद तक पहुंच गए। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में ये बच्चा कोई होटल में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ से भी दो दिन के बाद वो निकल गया और वो पेट्रोल पम्प पर काम कर रहा था। 5-6 दिन सेड़के और इनकी टीम ने अच्छा काम करके जहाँ पर वो बच्चा एचपी के पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था वहाँ से वो बच्चे में ताबे में लेके मुंब्रा में लाया है। वही बेटे को वापस पाकर नैना आवटे और दत्तात्रेय आवटे ने मुंब्रा पुलिस को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका आभार प्रकट किया। और मृणाल के माता पिता ने मृणाल को वापस पाने के बाद क्या कुछ कहा है वो भी सुनी। आपका बच्चा जो है गायब हो गया था, घर छोड़ के चला गया था कुछ पढ़ाई के वजह से, तो ये पुलिस ने तो इसे बरामद कर लिया है हैदराबाद से, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा डिपार्टमेंट जो है एकदम सतर्क है, सब पूरा डिपार्टमेंट का हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत कोशिश किया लोग, हम लोग भी थे उनके साथ में और सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद युवा बिग एपीआई सेल के साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका जो ये बेटा है आखिर ऐसा क्यों किया इसने? आपने इससे आने के बाद पूछे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था? कुछ बर्डन नहीं देना चाहता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, ओके। उसमें आया मन में उस टाइम चला गया, ऐसा दिमाग में आया। पुलिस ने ढूंढ के लाया इसे, बड़ी मेहनत के 7 दिन के अंदर इसे। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरह से कड़ी मेहनत की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 10 दिनों के बाद आखिरकार मृणाल को ढूंढ निकाला और उसे उसके माता पिता को सौंप दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।